بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। दोस्तों, आज आप हजरात के सामने वो मर्द और औरत जिनकी औलाद नहीं है और वो औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, अगर वो इस वजीफे पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गैब से उनको ज़रूर औलाद से नवाजेंगे। ये मुख्तसर सा वजीफ़ा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चार नामों पर मुश्तमिल ये वजीफ़ा है और इसका तरीक़ेकार ये है, इशा की नमाज के बाद, नमाज पढ़ने के बाद मर्द औरत दोनों बैठें और बग़ैर बात किए इस वजीफ़े को पढ़ें। जो भी अल्फाज मैं आप हजरात के सामने ज़िक्र करूँगा, लेकिन इसके अंदर शर्त यह है कि नमाज पढ़ने के बाद किसी से बात नहीं करनी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक एक तस्बीह इसकी पढ़ लें और सो जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से और अल्लाह के नामों की बरकत से आपको ज़रूर औलाद से नवाजेंगे। वो अल्फाज ये हैं, या अल्लाहु, या मुसव्विरु, या खालिकु, या करीमु, वसल्लल्लाहु अला नबियिल उम्मी। ये आखिर में मुख्तसर सा दुरूद शरीफ है। दोबारा देख लीजिए इन अल्फाज को, या अल्लाहु, या मुसव्विरु, या खालिकु, या करीमु, वसल्लल्लाहु ताला अला नबियिल उम्मी। तो इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है, एक तस्बीह इसकी करनी है, अल्लाह से दुआ करनी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको औलाद से नवाजेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।